हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सूट और सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे 3 से 4 साल की लड़की के लिए। पहले हम पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे, उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। और इस सलवार की जो टोटल लेंथ है वो है हमारे 18 इंच। 18 इंच में से हम 4 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो उसको लेस कर देंगे, और 14 इंच की हम ये उसकी मोहरी की कटिंग करेंगे। पहले हमने कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है, और जितनी हमारी मोहरी है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है। हमारी जो मोहरी की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है, और 1 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। अब हम पहले इसकी लंबाई मेजर करेंगे। 15.5 इंच मैं इसकी टोटल लेंथ ले रही हूँ मोहरी की। और जो चौड़ाई है 5.5 इंच, और हमें 4.5 इंच इसकी रखनी है 1 इंच मार्जिन का। अब हम इसकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं। हमारे 2 मोहरी का कपड़ा निकल गया है दोनों साइड का, और साइड से भी इसको कट कर देंगे। अब कलियों की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा ले लिया है और इसको 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले जितने हमारे हमने अपनी मोरी की लेंथ ली थी उसी के अकॉर्डिंग हमें उतनी ही इसकी लेंथ लेनी है। ये पहले हम 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे, एक निशान और लगाएंगे आसन के लिए 6 इंच पे। इसी तरीके से दूसरी साइड, जिस साइड मैंने 6 इंच लिया है उसके दूसरे सामने वाले कोने से हम 6 इंच ले लेंगे इधर से, और उसके आगे से 15.5 इंच ले लेंगे। अब हम 6.5 इंच पे जो निशान लगाया था और उधर जो 6 इंच पे निशान लगाया था, उन दोनों निशानों को मिला लेंगे। आसन वाले निशान को हम मिला के निशान लगाएंगे। निशान बिल्कुल सीधे लगाने हैं। देखिए, हमने निशान लगा लिया, अब हम इसको कट कर देंगे। देखिए, हमने इसको ये जो हमारी 4 कलियां हमारी कट के रेडी हो गई हैं, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो उस साइड वाली कली में, तो वो कट कर देंगे। और आसन वाले कपड़े से हम आसन दोनों कलियों को मिला लेंगे, 4 कलियों को। देखिए, हमारी ये 4 कलियां हो गई हैं कंप्लीट, और ये हमारा आसन है। इधर से कलियों की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। बेल्ट की जो टोटल लेंथ है वो 11 इंच है, तो मैंने 12.5 इंच ले लिया है, और इसकी लंबाई है 6 इंच। मैंने 4 इंच तैयार रखनी है तो 6 इंच ले लेंगे हम। इधर भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को।
हमारी बेल्ट, हमारी पटियाला सलवार की सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। पहले हमें कली दो कली कलियां लेंगे और उसके आसन को जोड़ देंगे सिलाई लगा के। आधा इंच का मार्जिन रख के हम सिलाई लगाएंगे। और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई दे देंगे लगा देंगे हम फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से हम दूसरे वाले आसन को भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब हमने एक कली ले लिया और एक मोहरी ले लिया, उसको दोनों को अटैच कर लिया है, सिलाई लगाएंगे। देखिए एक कली और एक मोहरी को अटैच साइड से जोड़ लिया है और इधर भी हमने जोड़ लिया एक मोहरी को। अब हमने जो हमारी ये एक और ये कली बची हुई थी इसको हम जोड़ देंगे। हमने दोनों कपड़ों को इस तरीके से ले लिया बिल्कुल बराबर और इस पे सिलाई लगा देंगे। हमारे देखो सलवार इस तरीके से सिलाई होके रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे बेल्ट रेडी करके। ये बहुत अच्छी पटियाला सलवार बनेगी हमारी। ये बेल्ट है इसको हम जोड़ लेंगे सिलाई करके। 2 इंच हमने ऊपर से छोड़ दिया है और इस तरीके से यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट कर दिया है। हम एक और सिलाई लगाएंगे इसमें फिनिशिंग के साथ। अब हम बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से हमें इसी तरीके से सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर लेना बिल्कुल हल्के हाथ से। हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो गई है बिल्कुल। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसमें हम कट लगाएंगे। ये हमारा बीच वाले ये दो हो गए हमारे, ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक हो गया और साइड में भी हम कट लगा देंगे। अब हम इसमें जो हमारे कलियों वाला कपड़ा था वो अटैच करेंगे। पहले हम बेल्ट को ले लेंगे बैक साइड से और इसमें 2 चुन्नट डाल देंगे। देखिए हमने बैक साइड 2 चुन्नट डाल ली है। हमें इसमें सीधा कर सिलाई लगानी है। देखिए हमने जहाँ पर ये कट लगाया हुआ था वहाँ पे हमने 3 फिंगर का वो स्पेस छोड़ के और इसमें सिलाई लगा देनी है। अब हम इसमें बेल्ट जो लगाएंगे इस तरीके से कपड़ा लेके और टैप टैप करके हमें इस तरीके से बेल्ट लगानी है।
इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बेल्ट को जोड़ लेंगे। देखिए हमारे जो बेल्ट है हमने जोड़ ली है, और इसके ऊपर भी हमने फिनिशिंग की जो सिलाई थी वो भी लगा ली है। अब हम इसका, ये मैंने बुकरम ले लिया है, इसके पोंचे बनाऊंगी मैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। दोनों मोहरी हमें इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। पहले हम ये कपड़ा सलवार ले लेंगे, इसको सीधा रखेंगे और बुकरम वाले कपड़े को हम उल्टा रखेंगे। हमें सिलाई बिल्कुल बुकरम के सीध में लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पे भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे, और इसमें में अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन रेडी कर लेंगे पोंचों पे। देखिए हमने मोहरी को बना के रेडी कर लिया। अब हम इसकी चौड़ाई की पे निशान लगाएंगे। हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है, और उसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले मोहरी पे भी 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड हमारी जो सलवार है वो बन के रेडी हो चुकी है बिल्कुल। इसकी मोहरी भी कितनी अच्छी है, पटियाला सलवार है, बहुत अच्छी सलवार बनी है ये। अब हम सूट की कटिंग करना बताएंगे। सूट की कटिंग के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इधर उधर से खुले की साइड और मेरी साइड है ये बंद की साइड है। जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 22 इंच, और तैयार हमें 19.5 इंच इसको रखना है। इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। जितनी हमारी फिटिंग है उसके मार्जिन के अकॉर्डिंग हमने इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। पहले हम इसका तीरा ले लेंगे। जितना हमारा तीरा होता है उतना हम उससे आधा लेंगे। हमारा तीरा 10 इंच है तो हमने 5 इंच ले लिया है, और आरमोल 5.5 इंच ले लेंगे, और 1 इंच पे इसकी गोलाई दे देंगे। और फ्रंट पार्ट पे भी हमने 0.5 इंच पे निशान लगा लिया है। आरमोल से, और ये हमारी जो फिटिंग है 7 इंच पे ले लिया, और बीच का निशान भी हमने निशान लगा लिया फिटिंग का। अब हम जो ऊपर वाली फिटिंग होती है उसका निशान लगाएंगे। जितने हमारी टोटल फिटिंग होती है उसका हमें 4 से डिवाइड करके करना है। ये यहाँ पे हमारा 5.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, और इधर 4.5 इंच पे, और हिप है हमारा 5.6 इंच। हमने इस चारों तीनों निशानों को मिला लेंगे, और जितने हमारे हिप है हमें नीचे से भी बिल्कुल सीधा उतना ही रखना है। ये 5.6 इंच है, यहाँ से भी हम इतना ही रख लेंगे, और ये मार्जिन वाला हमारा कपड़ा है, हम निशान लगा लेंगे। मार्जिन वाले कपड़े से ही हम इसकी कटिंग करेंगे, और शोल्डर को डाउन करते हुए 3 पॉइंट्स का हमने निशान लगा लिया और कटिंग कर देंगे। जितना हमारा जो हमारे मार्जिन पे हमने जो निशान लगा रखा है वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। और हिप वाले साइड से हम कट कर देंगे, और डाउन शोल्डर से भी हम कटिंग कर देंगे, और सेंटर पॉइंट पे कट लगा देंगे। अब हम इसमें से फ्रंट पार्ट निकालेंगे, उसकी भी कटिंग कर देंगे आर्मोल से। इसको बिल्कुल दोनों साइड से बराबर करना है, और आर्मोल से कटिंग कर देंगे 0.5 इंच की।
अब हम इसके इनर की कटिंग करेंगे, सॉरी पहले हम गले की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच लिया है और यहाँ से भी हमने 2.5 इंच ही लिया है और दोनों निशानों को मिला देंगे और पोर्ट नेक की शेप दे देंगे। इसको मैं इनर अटैच करने के बाद ही कटिंग करूँगी, मैंने सिर्फ यहाँ पे बताया है। इनर के लिए मैंने 4 लेयर में कपड़ा ले लिया है और नीचे की साइड से मैंने कन्नी की साइड से कपड़ा लिया है, इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें 19.5 इंच इसकी टोटल लेंथ रखनी है तो हम इनर की जो लेंथ रखेंगे 18 इंच या कुछ अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आप चाहो ले सकते हैं। हमने सूट को नीचे कर लिया है, जितने हमें ज़रूरत है वो हम उतने ही कटिंग कर लेंगे। हमें बिल्कुल बराबर रखना है जहाँ से इसको 4 लेयर में फोल्ड कर रखा है और साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकल जाएंगे। इसकी कटिंग हमें बिल्कुल बराबर ही कटिंग करनी है, जो हमारे हमने ये सूट रखा हुआ है ऊपर बिल्कुल इसके बराबर से कटिंग करना है हमें। देखिए इसमें से 2 पार्ट निकले हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। पहले हम इनर को जोड़ लेंगे, इसके ऊपर रख के बिल्कुल बराबर रखना है और सिलाई लगा देंगे। हमने इसको चारों तरफ सिलाई लगानी है, कच्चे धागे से हम इसकी सिलाई करते हैं। अगर आप चाहो तो हाथ से भी सुई के साथ आप इसको अटैच कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मशीन के साथ ही इसको अटैच कर रही हूँ। ऐसे में बैक पार्ट को भी इसी तरीके से अटैच कर देना है इनर को। देखिए हमने दोनों साइड अटैच कर लिया है इनर को, अब हम गले की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच पे लगाएंगे, हमने पहले ही इसको इधर से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को मिला लेंगे और बोट नेक की सेक दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए बहुत अच्छी शेप आई है हमारे गले की और हमने ये पट्टी ले ली है, 1.25 इंच की पट्टी हमने कटिंग की है। इसी तरीके से हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे, 2.5 इंच हमने ले लिया है और इधर से ले लेंगे हम 2 इंच और गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत अच्छी शेप आई है हमारे बैक पार्ट वाले गले की भी। हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लिया। अब हम इस हमने गले जो हमारा सूट है उसको उल्टा रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इस पट्टी को हमें अटैच करना है और इस पट्टी को हमें ऊपर की साइड फोल्ड करना है। बिल्कुल गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने गले को अटैच कर लिया और इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी हो जाए। अब हम इसको ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है, बिल्कुल इस कपड़े की साइड साइड में सिलाई लगानी है जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए
देखिए हमने गले को कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको अटैच कर लिया है, और पिछले वाले गले को भी हमने अटैच कर लिया। अब हम शोल्डर को अटैच कर देंगे। ऐसे हमने दोनों शोल्डर को रखना है। जो बैक पार्ट वाली हमारी पट्टी है उसको हमने बाहर निकालना है, उसको हम बाद में फोल्ड करेंगे। और शोल्डर को मिला के इस तरीके से डबल सिलाई लगा देनी है दोनों शोल्डर पे। देखिए हमने शोल्डर को अटैच कर लिया था, जो बैक पार्ट वाली हमारी पट्टी है, अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखने हम हमारा जो गला है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब हम आर्म होल पे भी पट्टी अटैच करेंगे इसी तरीके से। आर्म होल की साइड से भी हम इसको उल्टा कर लेंगे सूट को। ये भी हमें सूट के ऊपर की साइड इसका डिजाइन निकालना है। इसको दोनों पट्टी को और सूट के उस कपड़े को लेके हमने सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए हमें हमारे आर्म होल भी रेडी हो चुके हैं। अब हम दूसरे साइड का आर्म होल अटैच करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी अटैच कर लेंगे। हमें दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर रख के सिलाई लगानी है और फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर देना है। देखिए हमारे आर्म होल और गला बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी फिटिंग की निशान लगा के सिलाई लगाएंगे। ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया था ऑलरेडी, और इस पे डबल सिलाई लगा देंगे। हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करके आधा इंच और सिलाई लगा देंगे। बैक वाले पार्ट में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, आधा इंच पे आधा इंच फोल्ड करके। और साइड हिप वाले साइड से भी हम इसी तरीके से, देखिए नीचे से हमने फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब हम हिप की साइड से भी आधा इंच नीचे फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और चारों तरफ इसकी सिलाई लगा देंगे हिप की साइड से हम फोल्ड करके। हमें इस सिलाई बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। देखिए हमारे सूट भी बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स, और सलवार भी बन के रेडी हो गई है। अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।